देख लो पानी कितना भरा हुआ है, ये हमारी सोसाइटी के नीचे है। हमारा पूरा प्रोग्राम इस बारिश ने खराब कर दिया आज यार। यहाँ पे भाई विकेट लगती थी यहाँ पे, और वहाँ से बॉलिंग होती है और सामने की बाउंड्री होती है और यहाँ के दो रन होते हैं। और भाई सबको पता ही है मंडे को क्या लफड़ा हुआ है कोहली और गंभीर के बीच में। तो मैंने कहा चलो उनकी बेटी को एक दो गिफ्ट दे देते हैं छोटे छोटे, मैंने कहा एक ये दे दूंगी, थोड़ा सा कैश दे दूंगी। आइसक्रीम खाता नहीं, बट आज मेरा बहुत मन है यार मौसम की वजह से। हाई यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। एक नया दिन, एक नया व्लॉग। आज इस सेकंड में ट्यूजडे और इस समय बज रहे हैं सुबह के 7 o'clock, और आप पीछे एक बार वेदर देख रहे हैं क्या वेदर है, और इतना प्लेजेंट है ना, इतनी बारिश हो रही है अब एक दो दिन से तो ऐसा ही है। तो बस यार अब फटाफट अपना ब्रेकफास्ट और लंच पैक करते हैं और तैयार होते हैं ऑफिस के लिए और निकलते हैं और आपको आगे का दिन दिखाते हैं। यार अब मैं करने लगी हूँ फ्रूट्स पैक, मैंगो, गुआवा और ग्रेप्स। हमारे टोस्ट भी हो गए हैं पैक ब्रेकफास्ट के लिए। गाइस हम लोग हो गए हैं रेडी और बस अभी हम निकलने लगे अपने ऑफिस के लिए, तो आपको मिलेंगे हम सीधा इवनिंग में ऑफिस के बाद। Later that same evening. गुड इवनिंग गाइस, तो यार हम लोग आ गए हैं ऑफिस से वापस, बस अभी पीने लगे हैं एक कप कॉफी और फिर जाएंगे अपना वर्कआउट करने, वॉक करने। बस यार आते हुए थोड़ा सा सामान ले आई थी, वेजिटेबल्स, मशरूम, कॉलीफ्लावर, टिंडे, घिया, तरबूज। आजकल तो फ्रूट्स खाने का इतना ज़्यादा मन करता है ना यार, मतलब मैं और सुरीप पूरे दिन हम फ्रूट्स ही खाते रहते हैं, पहले ऑफिस में और फिर इवनिंग में आके। समर्स में तो यार यही बढ़िया होता है, खाना खाने से बेटर लगता है फ्रूट्स खा लो। मैं तो भाई नीचे आया हूँ थोड़ी देर, और देख लो भाई यहाँ पे माहौल क्या ज़बरदस्त क्वाइट वाइब है एकदम सोसाइटी की। इस टाइम पे हवा चल रही है तेज़, और भाई मैं ज़रा थोड़ी वॉक करूँगा यहाँ पे। अब आज भाई कोई खेल नहीं रहा मल्टीपर्पज़ कोर्ट पे, ये देख लो मल्टीपर्पज़ कोर्ट, मतलब कोई है ही नहीं यहाँ पे। आज क्रिकेट गेम चल नहीं रही, यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं लोग, जैसे मैंने कई ब्लॉग्स पहले आपको दिखाया था। यहाँ पे भाई विकेट लगती थी यहाँ पे, और वहाँ से बॉलिंग होती है और सामने की बाउंड्री होती है और यहाँ के दो रन होते हैं। पहले भाई कई बार ना मैं आया हूँ यहाँ पे खेलने के लिए, ज़्यादा पता है यहाँ पे क्यों नहीं खेलता, बिकॉज जहाँ पे हम सैटरडे को खेलते हैं ना वो डायमेंशन काफ़ी बड़ी हैं उस ग्राउंड की, और ये बहुत ही छोटी जगह है खेलने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे डेली खेलूँगा ना मंडे टू फ्राइडे, अगर मैं आया, मैं कह रहा हूँ 3-4 दिन भी खेल लेता हूँ अगर मैं, तो प्रॉब्लम उससे पता क्या होगी कि सबकॉन्शियस माइंड में और मसल मेमोरी के अंदर फिर वो वही शॉटें जो आप डेली मारते हो ना वो रह जाती है फिर, तो वो नुकसान देती है। पहले आज से 10 साल पहले भी ये चीज़ हो चुकी है, हम एक ऐसे ग्राउंड में खेलते थे जो बहुत छोटा था, और वीकेंड पर जो मैच होते थे बड़े ग्राउंड में होते थे, तो वो बहुत मुश्किल होती थी वहाँ पर एकदम से अडेप्ट करना थोड़ा टफ हो जाता था। मैं 2-3 महीने में कभी एक बार मन कर गया तो मैं आ जाता हूँ, नहीं तो मैं देख ही लेता हूँ, देखना सही रहता है। कोई ये देख लो एक बार ऊपर, पूरी सोसाइटी की वाइब है ये देखो यार, और वो रहा हमारा टावर उधर वाला, क्या ज़बरदस्त लग रहा है पूरा ये नज़ारा भाई साहब। इतना फ्रेश फील होता है ना वॉक करके भाई, मज़ा आ जाता है यार। सोसाइटी के अंदर हवा चल रही होती है ठंडी ठंडी, एकदम रिलैक्स और फ्रेश हो गया हूँ मैं एकदम वॉक करके इस टाइम पे। अब फटाफट से चलते हैं ऊपर। हाँ भाई जीत गई फिर आज 5 रन से दिल्ली। हाँ यार दिल्ली जीत गई, फिर से जीत गई यार, अब जीतना शुरू हो गई है। 130 रन, इतना छोटा टोटल डिफेंड करा है। मुझे लग रहा था शुरू में जब 5 आउट हो गए थे 40 पे 5 थे ना, कि भाई खत्म है, अब तो खत्म है, अब गई, मतलब ये एक दो मैच बीच में जीती है तो अब तो इसका कुछ नहीं होने वाला, फिर जीत गई यार आज। मुझे इसमें तो एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे लग रहा था गुजरात बना जाएगी। देख ले अभी भी दिल्ली इज अलाइव इन द टूर्नामेंट, अभी भी लास्ट के मैचों में कुछ भी हो सकता है, तुम्हें पता ही है हर साल होता है। क्या पता दिल्ली जीत जाए। अरे नहीं नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता यार, नहीं हो सकता ये कोई नहीं, बात नहीं, नहीं। अभी तुम्हें पता ना कल क्या हुआ गंभीर और कोहली के बीच में, नहीं तुमने देखा ना कल क्या हुआ। मैंने देख लिया, बट कई टीम ऐसे नीचे रह के एकदम सुपर आ जाए, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है यार। हाँ हो तो कुछ भी सकता है T20। The next day. शाम हो चुकी है और एक बार वेदर देख लो ऊपर, और भाई सुबह से बारिश हो रही है यहाँ गुड़गांव में, पूरा कीचड़ ही कीचड़ है नीचे, ऐसा लग रहा है कि हम लोग अगस्त के महीने में है इस टाइम पे। अभी प्लान ये है, हम लोग हो गए रेडी और हम फटाफट निकलने लगे हैं, हमें लेनी है किचन की कैबिनेट, तो वो देखते हैं हम जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ मिलती है, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि वो थोड़ी जरूरी है लेनी। देख लो पानी कितना भरा हुआ है, ये हमारी सोसाइटी के नीचे है। एक बार हाल देख लो बारिश का, अभी भी हो जा रही है, हो जा रही है। चार हम लोग निकल गए घर से और अब देखते हैं कहाँ जाते हैं फर्नीचर देखने, तो आपको भी दिखाते हैं। अभी हम निकले हैं, जस्ट जैसे हमने चेक करा है, रॉयल ओक जाना था हमको टोल क्रॉस करके, भाई टोल के ऊपर +30 मिनट्स दिखा रहा है इस टाइम पे। हमारा पूरा प्रोग्राम इस बारिश ने खराब कर दिया आज यार, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, हमने सोच रखा था कि हम आज के दिन जाएंगे तो मुश्किल लग रहा है यार, क्योंकि हम क्रॉस ही नहीं कर सकते, हम क्रॉस करने जाएंगे तो हमें कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, बहुत पास जगह है वो, इतनी दूर भी नहीं है, तो ये बारिश की वजह से सारा हो रखा है, क्योंकि सड़कें आपको दिखाई हैं अभी खराब थी पूरी,
तो उस चक्कर में सारा पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है। खाएंगे तो सही, हम निकले हैं तो कुछ खा के ही निकलेंगे फिर वापस। जो भी कहो, मौसम तो बहुत बढ़िया है, चाहे ट्रैफिक जाम लगते हैं। देख लो, ये देखो क्या सुंदर वेदर है यार। फिर हम लोग आ गए हैं सेक्टर 82 बीकानेर वाला। मन करा चाट खाने का, चाट खाते फटाफट। मैं देखता हूँ अपना यार क्या खाना है मेरे को। ये देख लो बीकानेर यहाँ बड़ा सुंदर बना हुआ है, बड़ा है काफी। तो ये है चाट और ये है गोलगप्पे, वो फटाफट खाते हैं, बहुत मन कर रहा है, वेट नहीं हो रहा। तो मैं एक चैलेंज देना चाहती हूँ। क्या चैलेंज? हम दोनों ने करना है गोलगप्पा चैलेंज, कौन कितना ज्यादा खा सकता है। ये देखो, तो ये हम चैलेंज करेंगे। चीयर्स। तो जीतेगा उसे क्या मिलेगा वो मैं बाद में डिसाइड करके बताऊंगा। जीतूंगी तो मैं ही, तो तुम्हें बस रेडी रहना है गिफ्ट देने के लिए। मेरे को तो वैसे भी आईफोन 14 प्लस मिल ही रहा है ना। और मेरे को जो बैग तो बराबर ही हो जाना तो बैग में तुम्हारा। तो भाई कल से एसी बंद कर रखा है हमने, क्योंकि इतनी सर्दी हो रखी है बारिश के चक्कर में। पंखा भी 3 से 4 नंबर में चलाओ ना, ठंड लग रही है। अभी भी बारिश हो रही है तो जरूरत है ही नहीं एसी की। मई में ठंड बोलते हुए भी अजीब सा लग रहा है मेरे को। हम लोग आ गए ज्ञानी और ये इसको आइसक्रीम खाने आया है। ये टेस्ट कर रहा है पहले सारी। अच्छा तो ठीक है, नहीं वो काफी डिलाइट होती है ना, वो तो है ही ना। ये होती है और कोई बताओ। केसर पिस्ता मेरे को अच्छी लग रही है तो मैं खा लूंगा, नहीं तो फिर चेंज कराऊंगा दूसरी लूंगा। ट्रैफिक जैम लेंगे तो वो बढ़िया होती है। ये खा रहा है ट्रैफिक जैम, इसमें 10 आइसक्रीम होती है, 10 तरह की। 5 हो गई है, 5 बची है। ठीक है, एक डालो बटर स्कॉच, बेल्जियन चॉकलेट, जीर, चॉको चिप, बस इतनी डाल। एक रह गई है वैसे, कॉटन कैंडी डाल। नहीं 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 मैं नहीं खाता कॉटन। और मैं खा रही हूँ एक छोटा सा सिंगल स्कूप। ये मेरा है मिंट चॉकलेट सिंगल स्कूप, मिंट चॉकलेट। हम लोगों ने आइसक्रीम खा ली और हम निकल गए, सभी घर पहुंच जाएंगे 5-10 मिनट में। पहुंच गए यार घर वापस हम लोग। और आज मैच चल रहा है पंजाब और मुंबई का, जो मोहाली में खेला जा रहा है। यहाँ पे बैटिंग विकेट थोड़ी अच्छी होती है, तो ये मैच मुझे लग रहा है अच्छा होगा, लास्ट तक जाएगा। और भाई सबको पता ही है मंडे को क्या लफड़ा हुआ है कोहली और गंभीर के बीच में, बड़ा तगड़ा ही पंगा था भाई वो तो। इसने पूरी IPL में आग लगा रखी है इस टाइम पे। मैंने ना ये एक साड़ी ऑर्डर की थी ऑनलाइन। हमारे यहाँ जो दीदी आती है ना, अनीता दीदी, काम करने, तो उनकी बेटी की शादी है अब, तो अब नेक्स्ट वीक वो जा रही हैं 1-1.5 महीने की छुट्टी पे, क्योंकि ऑब्वियसली बेटी की शादी है तो उन्हें जाना है। तो यहाँ से आई थिंक बिहार जा रही हैं। तो मैंने कहा चलो उनकी बेटी को एक दो गिफ्ट्स दे देते हैं छोटे छोटे। मैंने कहा एक ये दे दूंगी, थोड़ा सा कैश दे दूंगी, तो उनको भी अच्छा लगेगा, उनकी बेटी को भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे खरबूजा बचा हुआ है, अभी मैंगो मैं खा चुका हूँ और सामने चल रहा है मैच। फ्रूट्स भाई खाने बहुत ज़रूरी है डेली बेसिस पे। ये मेक श्योर करता हूँ कि मैं एटलीस्ट 2 से 3 फ्रूट्स तो खाऊँ ही खाऊँ। जैसे ग्रेप्स हो गए, मैंगो हो गया, खरबूजा, तरबूज हो गया, वाटरमेलन बहुत बढ़िया आता है। यहाँ पे किसान मंडी है पीछे, यहाँ के घर के लिए जो फ्रूट्स आते हैं वो किसान मंडी से आते हैं। काफ़ी प्योरिटी होती है उनमें, फ़र्क लग जाता है पता जब आप वो खाते हो और नॉर्मल जब आप खाते हो। तो अब हम लगे हैं सोने। हम आपको मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर एंड गुड नाइट।